दोस्तों आखिरकार चूहे बिल्ली का खेल खत्म हुआ और आकांक्षा दुबे के केस में आरोपी भोजपुरी गायक समर सिंह को पुलिस ने धर दबोचा। जी हां दोस्तों, काफी दिनों से मशक्कत कर रही थी पुलिस और समर सिंह को भगोड़ा भी घोषित कर दिया था और कयास लगाए जा रहे थे कि क्या समर सिंह भारत को छोड़ के सिंगापुर या फिर नेपाल भाग गया है। लेकिन देखिए किस तरीके से समर सिंह कभी नोएडा, कभी दिल्ली तो कभी उत्तराखंड में अपने ठिकाने बदल रहा था और पुलिस से छुपने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दें कि आज मेडिकल के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया। गाजियाबाद कोर्ट ने समर सिंह को वाराणसी पुलिस को ट्रांजिस्ट रिमांड पर दे दिया है। पुलिस अब समर सिंह को लेकर वाराणसी रवाना होगी। समर सिंह गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन स्थित चार्म क्रिस्टल सोसाइटी में छुपा हुआ था। पुलिस की गिरफ्त में आने से बचने के लिए वह गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और उत्तराखंड में ठिकाने बदल बदल कर रह रहा था। गाजियाबाद पुलिस के डीसीपी निपुण अग्रवाल के अनुसार गुरुवार को वाराणसी के सारनाथ थाने की पुलिस आई थी, आकांक्षा दुबे मामले में हमसे मदद मांगी थी। शुक्रवार सुबह नंदग्राम थाना क्षेत्र स्थित गाँव मोटा के नजदीक सोसाइटी से समर सिंह को गिरफ्तार कर नंदग्राम थाना लाया गया। मेडिकल मुआयना के बाद पुलिस ने समर सिंह को ट्रांजिस्ट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया था। अब यह पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। लेकिन अभी भी एक और आरोपी संजय सिंह पुलिस की गिरफ्त से फरार है और उसे भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। वैसे पुलिस की यह बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे की केस की गुत्थी अब बहुत जल्द सुलझ जाएगी और मामला स्पष्ट हो जाएगा।